वेलकम क्लास एट्थ सगीना पब्लिक स्कूल। क्लास एट्थ हम चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं और चैप्टर सेकंड में प्लांट में होने वाले एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है। तो हमने इससे पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट के जरिए ऑफस्प्रिंग का आगमन होता है। एक ही पेरेंट के जरिए कोई ऑफस्प्रिंग बनके तैयार हो जाता है। इस सिलसिले में फिर हमने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने आपको दो कैटेगरीज बताई, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने बात की जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, रूट, स्टेम और लीव्स, इन तीन की बात की, यानी प्रोपगेशन थ्रू रूट्स, प्रोपगेशन थ्रू स्टेम एंड प्रोपगेशन थ्रू लीव्स। रूट के बारे में हमने आपको स्वीट पोटैटो का एग्जांपल दिया था और डहलिया का एग्जांपल दिया था। रूट्स जो हैं वो खाना जमा करने की वजह से खूब मोटी मोटी हो जाती हैं। उसके बाद हम आए थे स्टेम पर और स्टेम के बारे में हमने आपको बताया था कि स्टेम में अगर नोड, इंटरनोड और बड्स मौजूद हैं तो उस पार्ट को जानिए कि वो स्टेम है, यानी स्टेम की डेफिनेशन में ये शामिल है। अब ये स्टेम, जैसे हम ये नहीं समझना चाहिए कि स्टेम इज ऑलवेज अबव द सॉइल, अबव द ग्राउंड, ये अगर जमीन के अंदर है अंडरग्राउंड और इसमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं तो हम इसको कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें हमने आपको दो कैटेगरी बताई थी, एक तो वो जो प्योरली अंडरग्राउंड है, एक वो जो सरफेस के करीब हैं, सॉइल सरफेस के करीब हैं या बाहर हैं और सरफेस के करीब हैं। तो पहले तो होगा जो प्योरली अंडरग्राउंड है, यानी स्टेम में भी दो कैटेगरी हमको देखना पड़ेंगी कि वो जमीन के अंदर हैं अंडरग्राउंड स्टेम हैं या वो जमीन के सरफेस पर या सरफेस से जस्ट नीचे हैं, बहुत ही कम मिट्टी के नीचे हैं तो वो हैं, या मिट्टी के जस्ट ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो सब एरियल स्टेम्स हैं। तो इनका हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया और आर्टिफिशियल में हमने बताया था कि आर्टिफिशियल में हम एक काम कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं लाके, ऐसी कटिंग जिसमें बर्ड्स वगैरह मौजूद हों, बर्ड्स हों। एक हमने बताया था बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। एक प्लांट, हमने दो प्लांट सेलेक्ट कर लिए, एक प्लांट को हम बड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, सियोन कहलाता है, SCIOM, और दूसरे प्लांट को हम स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को हम एक खांचा बना के स्टॉक में उसको बड वाले हिस्से को बारीक करके लगाते हैं और उसको खूब टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी पानी डालते रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि दोनों प्लांट के दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ जाएं। जब ये जुड़ जाएंगे तो फिर ऊपर वाले हिस्से में लीव्स आना शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब हमारी बडिंग और ग्राफ्टिंग जो है वो मुकम्मल हो गई। इस तरह से हम दो डिफरेंट वैरायटीज, दो डिफरेंट क्वालिटीज के प्लांट्स की वैरायटीज को हम मिलाकर एक तीसरे तरह का प्लांट तैयार कर सकते हैं जिसमें दोनों प्लांट्स की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। इस तरह से हम एक अच्छा पौधा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि लेयरिंग एक तरीका होता है। अगर ऐसा प्लांट है जिसकी शाखें खूब लंबी लंबी हैं तो एक मुलायम सी शाख को पकड़ के उसका थोड़ा सा हिस्सा हम जमीन के अंदर सॉइल में दबा देते हैं और बाकी हिस्सा बाहर निकला रहता है। तो कुछ दिनों बाद जो हिस्सा अंदर है उसमें रूट्स निकल आती हैं और रूट्स निकलने के बाद इस हिस्से में जो दबा हुआ था इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं। ये साबित करती हैं कि नीचे रूट्स तैयार हो गई हैं। तो जो बाकी शाख है जो ज़मीन तक आई है वहाँ से इसको काट के छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे, वो अपने प्लांट के साथ जुड़ी रहेगी और ये जो हिस्सा हमने काट के अलग कर लिया है जो सॉइल के अंदर है ये एक नया पौधा है और इसको यहाँ से उखाड़ के हम किसी दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो ये लेयरिंग कहलाती है। उसके बाद हमने आपको बताया था टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ज़रा
सोफेस्टिकेटेड है और जरा महंगा तरीका है। किसी भी प्लांट के किसी हिस्से से टिश्यू का एक टुकड़ा लेकर एक टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं और उसको सेफ्टी से रखते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है उसमें, बड़ा हो गया है वो। जब वो देखते हैं कि वो बड़ा हो गया है तो इसका मतलब अब कुछ इसमें ग्रोथ खुद ब खुद होने लगी है। इस बढ़ते हुए हिस्से को कैलस के नाम से जानते हैं, CALLUS कैलस। अब इस कैलस को दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में हम ट्रांसफर करेंगे और इसको डिफरेंशिएट होने देंगे रूट्स में और शूट्स में। जब देखेंगे कि कुछ रूट्स तैयार हो गई हैं और कुछ शूट का हिस्सा भी बन गया है तो हमारा ये एक नया प्लांटलेट तैयार हो गया, एक पौधिया तैयार हो गई या एक पौध तैयार हो गया। अब इसको निकालकर हम सॉइल में ट्रांसफर करेंगे और सॉइल में ये फिर एक नए पौधे की शक्ल में बढ़ने लगेगा, ग्रोथ होगी और बाकायदा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके लिए हमें किसी खास सीजन, किसी खास मौसम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। किसी भी मौसम में आप लेबोरेटरी कंडीशन में इस टिश्यू कल्चर को कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहली बात यह है कि ऑफ स्प्रिंग जो बनेगा वो सिंगल प्लांट की मदद से नहीं बनेगा, बल्कि दो सेक्सेस का होना जरूरी है। दो सेक्सेस एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट पर हो या दो सेक्सेस दो अलग अलग प्लांट्स पर हो। अगर अगर ये इसमें फ्लावर्स का बहुत बड़ा रोल है तो अगर फ्लावर्स में सिर्फ अगर किसी प्लांट पर आप देखते हैं कि उसमें फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ एक ही तरह के सेक्स ऑर्गन्स के साथ हैं, मान लीजिए वो स्टैमन के साथ हैं, तो ऐसे और एक दूसरा प्लांट आप देखते हैं उसमें सिर्फ गाइनीशियम है या पिस्टल है, फीमेल पार्ट है, तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। और अगर हम ये देखते हैं कि फ्लावर्स में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये बाइसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो वो स्टेमिनेट होगा, स्टेमिनेट होने का मतलब है या तो उसमें सिर्फ स्टैमन होंगे, मेल पार्ट एंड्रोशियम, स्टैमन में एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है जो मेन फ्लावर से जुड़ा रहता है। ये जो एंथर है इसके अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है और इसमें गैमीट्स बनते हैं। गैमीट जो होते हैं वो मेल गैमीट्स बनते हैं। और अगर हम देखते हैं कि फ्लावर में स्टैमन नहीं है, सिर्फ गाइनीशियम है, पिस्टिल है, तो इसे हम कहते हैं ये पिस्टिलेट फ्लावर है। तो दो तरह के फ्लावर हो गए अगर यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है आइदर ऑफ द सेक्स प्रेजेंट इन द फ्लावर्स, तो ये यूनिसेक्सुअल है और इनमें या तो मेल ऑर्गन होगा, स्टेमिनेट होंगे ये, या इसमें फीमेल ऑर्गन होगा, पिस्टिलेट होंगे ये। तो इस तरह से ये। और अगर हम देखते हैं कि बाइसेक्सुअल है तो एक फ्लावर में जो फिर दोनों स्ट्रक्चर होंगे, इसमें गाइनीशियम भी होगा और इसमें स्टैमन भी होगा या एंड्रोशियम भी होगा। तो इस तरह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ फ्लावर की बनावट जान लेना चाहिए। तो हमारे पास जो बुक है उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लें। ये और इसमें कुछ बातें लिखी हैं वो हम आपको बोर्ड पे थोड़ा बताते हैं। देखिए हर एक फ्लावर में आप देखेंगे कि हम जो फ्लावर बना रहे हैं तो अगला लेक्चर हम यहीं से शुरू करेंगे, हम इसे साफ नहीं करेंगे।
सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि हर एक फ्लावर में एक एक स्टॉक होता है जो फ्लावर को मेन प्लांट से जुड़े रखता है। तो हम मेन प्लांट को यूं बनाए देते हैं और एक स्टॉक हम बनाए देते हैं। ये फ्लावर को प्लांट से जुड़े रखने वाली चीज है, तो इसको कहते हैं पेडिसिल। नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। उसके बाद पेडिसिल के बाद इसके आखिर में एक फूला हुआ हिस्सा होता है, उसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के बाद अब फ्लावर के चार घेरे शुरू होते हैं। हर एक फ्लावर में चार घेरे होते हैं, वर्ल्स कहलाते हैं। चार घेरे, सबसे बाहर का घेरा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का घेरा, यानी हम अगर इसको घेरों की शक्ल में बताएं तो सबसे बाहर का घेरा सबसे पहले जो पड़ेगा, उसके बाद दूसरा घेरा, उसके बाद तीसरा घेरा और उसके बाद चौथा घेरा। ये चार वर्ल्स हैं। ये आपको याद रखना। अभी हमने यहाँ घेरे नहीं बनाए, यहाँ घेरे हम असली सूरत में बनाएंगे। अभी हमें चार बना दिए, सबसे बाहर का, उसके बाद दूसरे नंबर का, उसके बाद तीसरे नंबर का, उसके बाद चौथे नंबर का। नंबर वन, वर्ल नंबर वन, वर्ल नंबर टू, वर्ल नंबर थ्री और वर्ल नंबर फोर। ये चार वर्ल्ड आपको याद रखना है। आउटर मोस्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, सबसे बाहर का घेरा, उसके बाद दूसरे नंबर का घेरा, उसके बाद तीसरे नंबर का घेरा, उसके बाद चौथे नंबर का घेरा। सबसे बाहर का घेरा कैलिक्स कहलाता है, यानी हम यहां पर एक दो करके हम यहां लिख देते हैं कैलिक्स। नंबर एक, नंबर दो कोरोला, नंबर थ्री एंड्रोशियम, और नंबर फोर गाइनीशियम। चार घेरे, चार घेरे। द आउटर मोस्ट वर्ल इज द कैलिक्स, द सेकेंड वर्ल इज कोरोला, द थर्ड वर्ल इज एंड्रोशियम एंड द फोर्थ वर्ल इज गाइनीशियम। अब इसको इस तरह समझें कि सबसे बाहर का घेरा आप अगर किसी फ्लावर को देखें, जैसे गुड़हल का फूल है, आपके स्कूल में बहुत उगा रहता है लाल रंग का, तो जब सबसे बाहर का घेरा हम देखेंगे तो वो कुछ आपको यूं दिखाई देगा। ग्रीन कलर का, हरे रंग का। इसका काम है कि जब फ्लावर अपनी बड कंडीशन में होता है, कली के रूप में होता है, तो उसकी हिफाजत करेगी कैलिक्स, सेपल्स, ये उसकी हिफाजत करते हैं। फिर जैसे जैसे फ्लावर बढ़ना शुरू होता है, कली खुलना शुरू होती है, तो ये फिर छूट जाते हैं पीछे और ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। दैट इज कैलिक्स नंबर वन। दूसरा घेरा जो है वो पेटल्स का है, बहुत खूबसूरत रंग उसमें पाए जाते हैं, लाल, पीले, नीले, बैजनी, नारंगी, तरह तरह के उसमें रंग मिलते हैं, बहुत खूबसूरत। तो हम उसमें एक पत्ती बनाए देते हैं,
ये चार हो सकती है, पांच हो सकती है, दूसरा घेरा। तीसरा घेरा जो है वो हमने बताया एंड्रोशियम्स का होता है, स्टैमन का। चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, कितने होंगे घेरे में, स्टैमन ये तीसरा घेरा है। और चौथा घेरा है गाइनीशियम का, या पिस्टल का। इस तरह से ये चार घेरे हैं। आउटर मोस्ट व्हर्ल इज द कैलिक्स, द सेकंड कलरफुल पेटल्स द कोरोला, द थर्ड मेल ऑर्गन द एंड्रोशियम, एंड द फोर्थ इनर मोस्ट व्हर्ल इज द गाइनीशियम और पिस्टल। उसके बाद इसमें कौन कौन से पार्ट हैं का डिस्कशन आगे।